नमस्कार, नजर बढ़ते न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर थाना चिलकाना के क्षेत्र चौकी के इंचार्ज शशांक गिरी व पुलिसकर्मी संजय मलिक पर इल्जाम लगाया कि इन दोनों ने चिलकाना क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। लॉकडाउन के चक्कर में दुकानदारों को पकड़कर उन पर झूठे मुकदमे लगाकर डराया धमकाया और मोटी रकम वे सामान बिना पैसे के लेने का इन पर आरोप लगाकर एक पत्र DIG सहारनपुर मंडल व SSP को लिखित शिकायत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सब इंस्पेक्टर और चौकी पठेड़ की इंचार्ज इस क्षेत्र में दुकानदारों व नागरिकों से रुपया वसूल किया है। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता ने इस मामले की सच्चाई जाननी चाहिए और संवाददाता इन दुकानदारों से मिला तो हकीकत कुछ और नजर आई। किसी ने भी सब इंस्पेक्टर शशांक गिरी के खिलाफ कुछ नहीं कहा बल्कि इनकी तारीफ की और कहा कि चौकी प्रभारी शशांक गिरी ने इस क्षेत्र की जनता वे दुकानदारों का बहुत ख्याल रखा है। जो भी सामान खरीदते हैं उसका पूरा पैसा दुकानदार को देकर खरीदते हैं। ये सब इल्जाम बेबुनियाद है। कैमरामैन नीरज के साथ जातिराम की खास रिपोर्ट। और जो पठेड़ में और भी दुकानदार लोग हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। पुलिस के प्रति क्या आपका नजरिया है? हाँ जी, आपका नाम? अजय कुमार। अजय कुमार जी, जो यहाँ पे पुलिस के खिलाफ विज्ञप्ति गई है DIG यहाँ पे, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का कैसा व्यवहार आपके? पुलिस का बहुत अच्छा व्यवहार है, जो मेरे प्रति बहुत अच्छा स्टाफ है। शायद आज तक नहीं गया हो तो ऐसा स्टाफ, बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। कोई गलत कार्य नहीं होता हमारे खिलाफ, कोई वो नहीं है, सब कुछ सुनवाई होती है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो दुकानदार लोगों ने उनके प्रति आरोप लगाया है कि दुकान लोगों से पैसा लिया जाता है, आप किस टाइम दुकान खोलते हैं, किस टाइम बंद करते हैं? हम सुबह दुकान खोलते हैं, 8 बजे बंद करते हैं अपनी दुकान में। कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई वो नहीं है। वो सही तरीके से बोलते हैं कि 8 बजे दुकान बंद कर ली, ये नहीं है कि पहले बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए सब झूठ है। देखिए, मैं आपको और जो दुकानदार है मिठाई वाले उनसे भी बात कराता हूँ। यहाँ पर जो भी पुलिस के प्रति जो बात हो रखी है उसके पर। हाँ जी, आपका नाम? रफल सिंह सहनी है जी। आप ये बताइए, जो पुलिस के खिलाफ जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज है उसके खिलाफ एक DIG के यहाँ पर आपने पत्र गया है, और उसके प्रति आपको क्या, जैसे कि पुलिस आपसे कोई दबाव करके पैसे का मुझे कोई ऐसा ना कोई व्यवहार नहीं? पुलिस के प्रति आपको क्या व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है जी। SIG और ये जो स्टाफ है चौकी का बहुत अच्छा है। इसका जो है किसी के प्रति कोई जो व्यवहार नहीं है, कोई नहीं है। कितने समय से आपकी दुकान है? हमारी दुकान भी 25 साल हो गई है की दुकान। तो आपसे किसी ने पुलिस ने पैसा लिया है? ना जी, इंचार्ज या कोई कुछ के बल आपको परेशान किया है? ना जी, कुछ नहीं किया है। कि हम आपको जो दूसरे दुकान वाले हैं मोबाइल पे शो करेंगे, इनको उस टाइम तो उठा कर ले गए थे थाने में। हम इनसे भी आपकी बात कराते हैं कि इनके प्रति क्या नजरिया था पुलिस का। जी, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आप ये बताइए, जैसे कि उस दिन लॉकडाउन टाइम आपकी दुकान बंद कराने के उसमें पुलिस आपके पास आई थी, तो उसमें आपको क्या, उस पुलिस से क्या नजरिया? बस पुलिस जैसे मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि दुकान बंद नहीं करी तुमने, टाइम हो गया, चलो तुम्हें पकड़ करके मुझे लेते गए अपने साथ, और गाड़ियों बिठा करके सीधे थाने चले गए। और फिर थाने से जो है हमको जो प्रधान पहुंच गए वहाँ, और गोर्धनपुर वाले और धोलेटी वाले दोनों पहुंचने के बाद इन्होंने आपस में डिस्कस हुई होगी कोई बात हुई, जो उसके बाद फिर हमें छोड़ दिया। हमें कुछ नहीं पता उन्होंने क्या। ये कहा जा रहा है कि पैसा लेकर छोड़ा गया है, कुछ आपके जो साथी हैं उन्होंने बताया कि पैसा लेकर छोड़ा गया हमको? देखिए, हमारे से तो कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, ना हमारे साथ कोई बत्ते नहीं लिया, गाड़ी ग्लोज कुछ नहीं किया। उन्होंने गाड़ियों में बैठा लिया, गाड़ियों में बैठने के बाद सीधे थाने चले गए और बस फिर अपने घर आ गए। कोई ऐसी बात थोड़ा ही शरीर कर रही थोड़ा। आपका नाम? दीपक। दीपक जी, आपकी कहीं की दुकान है? जैसे कि आपको उस टाइम पुलिस ने उठाया है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार किया? सर, मैं कहने लगे चलो उधर बैठो, आपने दुकान खोल रखी है। तो आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं सर। मेरा नाम भावेश सैनी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पठेड़ बरता का। ये जो आरोप लगे हुए हैं आप जो आपके जो क्षेत्र में चौकी पठेड़ चौकी में जो आपकी चौकी इंचार्ज है, इसके विषय में पुलिस का क्या नजरिया आपके, जैसे कि आप लोगों का क्षेत्र है उसमें पुलिस का क्या नजरिया? देखो, जो सरकार का नियम है, सरकार के जो गाइडलाइन है, सरकार गाइडलाइन के अनुरूप हमारे चौकी के जो कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं, और हमारी तरफ से तो कोई क्या मौका नहीं मिला है, ना कोई ऐसी हमें कोई घटना घटी है जिसके संबंध में हम आपको अवगत कराएं।
तो गांव में दुकानें हैं यहां पर जो कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसे करके बुवाई करते हैं, तो उसके संबंध में आप जो जो दो चार जैसे कि विषय में जानकार भी है लोग, उनसे संबंध में आपने कुछ विषय में कुछ और कुछ कहना है? नहीं, हमें इसी कोई जानकारी नहीं है इस मामले की और ना हमने कभी सुना है। हाँ, कैसे बुवाई करते हैं पुलिस वाले अंदर? शुरू करें जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शशांक गिरी है, मैं उपनिरीक्षक पद पर यहाँ पे चौकी पटेड़ पे एज ए प्रभारी तैनात हूँ। अच्छा, ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर, कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि आप पैसा लेते हो, इससे क्या, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? इस संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में लॉकडाउन में और जो है आप कोविड-19 में के जगह जगह को पॉजिटिव जो है केसेज आ रहे हैं, जिसमें जो है अभी 2 किलोमीटर पे हमारे यहाँ पंचकुआ में भी कुछ पॉजिटिव आए हैं। एक दुकानदार हमारे यहाँ पहले पठेड़ में भी एक वो जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके संबंध में साहब जो डीएम साहब की गाइडलाइंस हैं, सुबह 9 से 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसके ही पालन कराने के विषय जो है हम लोग 8 बजे वहां पे गए थे और ये हमने देखा कि लोग जो है बिना मास्क के और लोगों दुकान पे जो है पब्लिक की भीड़ लगी हुई थी, जिसे हमने रोका टोका। अनावश्यक रूप से भीड़ को देख करके हमने जो अपने इंचार्ज जो है एसएसआई जो इंद्रजीत सिंह जी को उन्हें अवगत कराया चीज से, उन्होंने कहा कि इन्हें जो है थाने ले आओ, जो इस तरीके से नहीं मान रहे हैं। हम लोग इन्हें थाने ले गए हैं, जिसमें जो है प्रधान के भाई, प्रधान विनोद सैनी के भाई, जिनकी यहाँ पे मिठाई की दुकान है, इनकी दुकान में 7-8 लोग जो है बैठ करके मिठाई वगैरह चाय वगैरह पी रहे थे। ये हमारे द्वारा इन्हें टोका गया कि जो है भाई इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और मुंह पे मास्क वगैरह आप लोग कोई किसी प्रकार की कोई आपके द्वारा सेफ्टी नहीं बरती जा रही, इसको लेकर के हम लोग इन्हें वहां ले गए थे थाने में, और थाने में ले जाकर के प्रधान द्वारा जो है इसमें जो है ये कहा गया कि साहब मेरी जिम्मेदारी है, मेरे भाई हैं और भाई दुकानदार हैं, गलती हो गई है, मैं अपनी जिम्मेदारी इसमें कि हमारी जिम्मेदारी आगे से ऐसा कोई वो नहीं होगा, गरीब आदमी है साहब और थोड़ा सा आज हमें माफ कर दीजिए, इसको लेकर के हम इन्हें थाने में छोड़ाए थे और एसएसआई साहब द्वारा जो भी इनके साथ सपुर्दगी में इन्हें दे दिया गया था, प्रार्थना पत्र दिया गया है विनोद सैनी, सुशील सैनी इनकी दुकानदारों से कि भाई मुफ्त में पैसा लिया जाता है। ये बताना चाहूंगा कि विनोद सैनी की और ये सुशील सैनी की जो है किसी भी प्रकार की पठेड़ तो क्या चिलकाना में भी कोई दुकान नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है, अनावश्यक रूप से ये जो है आए दिन जो है शराब पी करके यहाँ पर आते हैं, अनावश्यक रूप से अपनी बात मनवाने के लिए कि हम मंत्री जी के जानने वाले हैं इस तरह के आरोप दबाव देने के उसे ये अपना वो दिखा रहे हैं। सरकार हमें अच्छा वेतन दे रही है और हमें किसी के नाजायज पैसे की कोई जरूरत नहीं है और हम अपना उस पैसे से अपने ईमानदारी के उससे हम अपना घर चला सकते हैं, इसके लिए हमें किसी के नाजायज पैसों की जरूरत नहीं है। रही बात उसकी है, तो इन्होंने जो भी प्रार्थना पत्र में दिया है इनके सब परिवार के लोग हैं जिन्होंने जो है इसमें साइन किए हुए, और जो अन्य दुकानदार हैं उनसे जो है जांच करवाई जा रही है उच्च अधिकारी द्वारा, जो भी उसमें होगा वो सबको बता दिया जाएगा।